you will attempt the test. It means that you have marked your Zoom attendance. ठीक है, Zoom attendance की परवानी करनी. Please make sure that your cams are on. Ahmed Hussain, Hania, Zainab, Arfa, Alian, Muniba, Abiha Hussain, Shanze, Salman Nabi, Hamza Ismail, Maria, and Abu Bakr. Switch on your cameras. Please switch camera on. खुद ऑफ हो गया. मैम मैं दूसरी डिवाइस से लॉग इन हो जाऊं, ये भी मैं लैपटॉप पे हूं, ये मैंने नशे में आके तोड़ दिया था. नो प्रॉब्लम कर लें. अगर दो डिवाइसेस यूज कर सकते हैं तो दो डिवाइसेस ज्यादा बेहतर है. आपके आई शुड बी एबल टू सी योर फेस प्लीज. आई डोंट वांट टू सी योर फोरहेड, आई डोंट वांट टू सी द सीलिंग, आई वांट टू सी योर फेसेस प्लीज. अटेंडेंस राइटिंग योर अटेंडेंस इज नॉट नेसेसरी इफ यू विल अटेम्प्ट द टेस्ट. अच्छा नहीं चलो मैम आज हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, मैं आज क्लास लेनी नहीं है. तो मैम आप बता सकती हैं गल्ला ना कर. आई एम ट्राइंग टू टेक योर ऑनलाइन टेस्ट जस्ट लाइक वी विल टेक इट इन ऑन द एग्जाम डे. ठीक है ओके मैम. So if you want to thank you ma'am right now it's okay, if you want to attempt it later it's okay. It's just that I want to give you a feel of what you're going to get in the paper. I still see people who have not switched on their cameras. Okay ma'am. So ma'am can I take it after the class? Yes you can Zainab, if you're busy right now you can. Alafiz ma'am. Alafiz. Alafiz. Please switch on your cameras and make sure that your face is visible in the camera. Arfa, Shanze, Salman. Ma'am main apna email nahi dal raha ma'am. Emer. बता चुकी अब हैक करिए, मैं नहीं डाल रही ईमेल. I was just a little cheeky last night. वो देख मैंने cheeky cheeky. Abiha switch on your camera. मैम स्टार्ट करते हैं. हाँ बेटे मेरा इंतजार नहीं करना आपको, मैंने लिंक इसीलिए दिया है सो दैट यू स्टार्ट. एज सून एज यू रिसीव द लिंक प्लीज स्टार्ट ऑफ विद योर टेस्ट. ठीक है इट्स वेरी इजी, द टेस्ट इज वेरी इजी. इवन इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर इट यू कैन स्टिल टेक इट. ठीक है माशा. मतलब मैं मैं घबरा क्यों रहे हो, माइक पूरा खोल के पढ़. मैम चीटिंग अलाउड है? नहीं अब ऊपर ऊपर सारी चीजें पढ़ो, हर चीज पढ़ने के लिए लगाई है मैंने. मुझे बताएं सबको लिंक मिल रहा है? ठीक लिंक लगा है? यस मैम. ओपन द टेस्ट विद द लिंक. अभी हाँ आपका भी खुलना चाहिए बेटे, फिर अगर सबका टेस्ट खुल रहा है एंड एवरीबॉडी इज अटेम्प्टिंग द टेस्ट then yours should open to using the link. Now humne MCQ number 1 mein serenum likhna hai. I don't know har ek ka kyunki question different aayega.
बहुत इजी मैंने क्वेश्चंस रखे थे सो दैट यू वुडंट इवन हैव टू आस्क मी अनपार्ट या फर्स्ट ऐसा ही है, ऐसा ही है, माशाल्लाह. सो दैट इजी होके आप आराम से टेस्ट कर सकें. एक आध कोई सवाल थोड़ा सा वो भी वोकैबुलरी वाला, थोड़ा सा कोई ट्रिकी रखा, हल्का फुल्का मुश्किल है, बाकी मसला ही नहीं. Once you are done, please make sure that you mark your attendance over here and you submit your test. After that, you'll be allowed to leave. Wow. मैम ये जो मुश्किल वाला सवाल है ये कब की तरह फंस, सॉरी इफ यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. हाशिम, अबीहा, हानिया, अबू बकर. अच्छा, अबू बकर इज हियर विद टू डिफरेंट डिवाइसेस. Yes, ma'am. But that's it. I wanted you guys to switch on your cams. Are you taking your test through a cell phone, Hania? Okay, theek hai. Theek hai. No, I cannot tell you what inevitable means. Ma'am, please, aapko Allah ka waste hai, ma'am. Nahin, nahin. आपके आपको बच्चे मियां सबकी कसम. नहीं, थैंक यू अबू बकर. मैम उमेर को देखें जरा कैसे स्क्रीन में कुछ ढूंढ रहे आंसर गूगल से सर्च. आप भी ढूंढ लें आंसर, आप भी ढूंढ लें. शाबाश शाबाश, थैंक यू मैम. लुक फॉर योर आंसर्स एज वेल. ओपन बुक है ना मैम, ओपन बुक है, नॉट एन ओपन बुक. मैं क्या करूं, मैं बातें ना कर ज्यादा, तो पता तुम जो बाहर पे. सो इजी, यू कैन इजीली डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, द ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन ओवर देयर. अल्हम्दुलिल्लाह. हेलो, आवाज आ रही है? अबू बकर, मैम वो नशे में. प्लीज कीप योर कमेंट्स टू योरसेल्व्स, लेट्स साइलेंटली अटेम्प्ट आवर टेस्ट्स. ठीक है, पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड.
ओके शांजे यू कैन लीव प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय सलमान प्लीज मेंटेन योर डिसिप्लिन ओके मैम Once you're done, please make sure that you mark your attendance over here on Zoom, and then you are allowed to leave, okay? Okay, ma'am. Salman, what seems to be the problem? मैम वो मक्खी तंग कर रही थी यू कैन टेक द टेस्ट ओनली वंस बेटे यू कैन टेक द टेस्ट ओनली वंस मैं तो तीसरी दफा कर रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी सिर्फ ऑप्ट की जाएगी Whatever मैं मेरी सेकंड वाली कर लेगा वो एक्सेप्ट होगा उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा ये मैं पहले से बता रही हूँ आप तीन मुख्तलिफ आईडीज से भी बेशक मैम ये आपने आप बताया पहले तो नहीं बताया था नहीं ये चीजें आप लोगों को पहले से पता है आप लोगों को क्या कहते हैं उस दिन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस शेयर हो चुकी हुई है ठीक है चले मैम मैं तो वैसे भी स्टार स्टूडेंट हूँ Abiha, it's not a difficult test at all, bete. Abu Bakr, दोनों में से किसी जगह पे भी आपका कैमरा ऑन नहीं है, बेटे. सिर्फ बातें करनी आ रही हैं आपको एक चलो मैं मानती हूं एक सेलफोन की डिवाइस है दूसरी डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है किसी एक डिवाइस से तो अपना कैमरा ऑन करें मैम घर कॉल कर दें अबू बकर मैम जो हमारे एग्जाम्स होंगे तो उसके ऊपर एक आता है ना कि आप व्यू स्कोर तो हम उससे अपने मार्क्स पता लगाएंगे या आप लोग हमें बताएंगे मैनुअली चेक करके अभी आएगी अभी आप लोगों को मार्क्स नहीं बताए जाएंगे ठीक है The reason being कि हम लोगों ने वो मार्क्स आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड में इस दफा लगाने हैं ठीक है ना सो दिस टाइम what I have been told is कि ये अभी तो टेस्ट है अभी तो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपके स्कोर आपके सामने आ जाएगा जिन लोगों ने कर लिया उनका स्कोर उनके सामने आ गया होगा ठीक है फॉर द एग्जाम मेरे लिए स्कोर आ जाएगा आप लोगों का मैं मैनुअली चेक नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऑप्शन इसके अंदर पहले से दी हुई हैं ठीक है मेरा ऑलमोस्ट हो गया बस ठीक हो गया तो क्या नाम है लेकिन ऑन द एग्जाम डे स्कोर विल नॉट बी डिस्प्लेड ठीक है मैम सरप्राइज होगा नॉट एग्जैक्टली अ सरप्राइज जिस तरह आप लोगों को पता होता है कि आपका इतने मार्क्स का एग्जाम आ रहा है 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम पेपर है ठीक है नॉर्मल डेज में जब आप आके स्कूल में फेस क्या आएगा व्हेन यू फेस टू फेस टेक योर एग्जाम ऑल यू नो इज दैट यू हैव अ 75 मार्क्स टेस्ट इजंट इट अभी मैम पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे एमर एक मिनट ऐसे भी लिखना होगा
मैम आई हैव डन इट यस यू कैन लीव आलियान देखें सिंपल एज इट इज जब आप स्कूल में पेपर अटेम्प्ट करते हैं क्या होता है आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं आपको आंसर्स उस वक्त नहीं पता होते अपने कि आपके आंसर ठीक हुए हैं कि नहीं हुए इजंट इट सो ऐसे ही है ना बिल्कुल वही फीलिंग आपको अभी भी देंगे 75 या 100 मार्क्स के पेपर के बजाय 30 मार्क्स का पेपर है ठीक है सिर्फ मैम ट्रांसलेशन और ये तो नहीं आएगा ना मैम ये ऐसे राइटिंग ट्रांसलेशन पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ लेटर आपका जो वो फुल लेंथ वाली चीज होगी वो नहीं होंगी ट्रांसलेशंस होंगी ठीक है हो सकता है मैं ट्रांसलेशन की उर्दू की स्टेटमेंट लिखूं और उसके नीचे आपको 4-5 ऑप्शंस दे दूं कि इनमें से इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन पिक करें ठीक है मैम सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं आएंगे एमसीक्यूज होंगे क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे बिल्कुल जिस तरह आज का टेस्ट हुआ है इसी तरह का होगा ठीक है ठीक है मैम ठीक है ना अच्छा बहुत हो गया तो वही जिस तरह कल मैंने क्योंकि कल भी मेरा इंटरनेट में गड़बड़ आ रही थी साथ में और भी इश्यूज थे व्हाट आई विल डू इज टुडे आई विल सेंड यू द वीडियोस एंड द लेसन ऑन डैफोडिल्स जस्ट लाइक वी हैव टेकन अ टेस्ट टुडे ऑन यूनिट 6 वी आर ओनली लेफ्ट विद यूनिट 5 दैट इज द पोएम डैफोडिल्स वी विल कंडक्ट अ टेस्ट जस्ट लाइक दिस टुमारो एज वेल ठीक है लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि पेपर वाले दिन क्या करना है ठीक है ना जीसी करोगे तो कोई इशू नहीं है लेकिन ऑन द डे ऑफ एग्जाम पेपर सिर्फ उस 40 मिनट्स के लिए ही अवेलेबल होगा विच मीन्स दैट यू गाइस विल हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम विद इन दोज 40 मिनट्स ठीक है नंबर टू you will be attempting your test on a laptop. मैं यही advice करूंगी कि laptop से अपनी अपना test attempt करें exam को, even tests को भी laptop के through attempt करें so that you will not have this excuse कि जी मेरा camera नहीं काम कर रहा या मैं फलाना कर रहा हूँ. जिसने जिस position में गरीब लोग क्या करें? Sorry? मैम जिनके पास laptop नहीं है वो You will have to arrange for it, bete. That is not an excuse. जब आप इस वक्त at a time दो devices से मेरे पास इस वक्त भी logged in हैं, तो आप मुझे ये excuse नहीं दे सकते कि मेरे पास laptop नहीं है या मेरे पास वो नहीं है. ऊपर से आप मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं कि जी मैं ऐसी position में हूँ कि मैं अपना camera नहीं on कर सकता. Throughout the last 30 minutes की class है आपकी, उसमें आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं camera नहीं on कर सकता. Bathroom में बैठना है या जिधर भी बैठना है, वो फिर आपका मसला है कि आप किस वक्त वो करते हैं. समझ आ रही है? मैम लैपटॉप रेंट पे ले सकते हैं अबू बकर दैट इज एब्सोल्युटली योर ओन प्रॉब्लम नॉट माइन फजूल सवाल मैं है तो किसी के तुम के कोई जवाब नहीं दूंगी मैम मैं साइड इज माय टेस्ट माइक म्यूट है मैम ये कोई और बोल रहा है और उसकी आवाज भी चेंज है हमारी क्लास से भी नहीं है ये है जो कभी आपकी क्लास से है आप क्या कहते हैं आइंदा Zoom पे अपने नाम के साथ आएंगे वरना आई विल थ्रो यू गाइस आउट एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक इनसाइड द क्लास अबू बक ये जो चले मैं शेफ सबको इतना मसला हो रहा है तो मैं लीव ही कर देता हूं आइंदा मेरी क्लास में आप अपने नाम से आएंगे समझ आ रही है जी मैम If you guys are done with your test, I'm not allowed to leave. ठीक है? Any questions? Was the test easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें ठीक है. Good job. Good job. Happy birthday. Happy birthday, Kashyap. Okay, fine. I've had enough of you. मेरे पास बहुत सारी चीजें आप लोगों को रिमूव करने के लिए और आप लोगों को ब्लॉक करने के लिए ठीक है ना अच्छा करेंगे तो आई कैन थ्रो यू गाइज आउट ऑफ द क्लास नहीं मैम ऐसा ना करें आई हैड एनफ ऑफ यू बस ठीक है
बदतमीजी करेंगे तो मेरे पास भी बहुत इलाज है, Zoom हमें भी बहुत सारी लिबर्टीज देता है, ठीक है? For the rest of you, I hope you are done. मैम ये हमारी क्लास के लिए। मैम? जी बच्चे। मैम अब्दुल्ला खरम कह रहे हैं कि उसका फोन जो है वो मर गया है, उसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो उसका वेबकॉम ऑन नहीं हो सकता अब, लेकिन वो टेस्ट फिर भी कर रहे हैं। फिलहाल इट्स ओके बिकॉज़ दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस टू हैव एन एक्सपीरियंस के किस तरह से टेस्ट करना है, ठीक है ना? इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट it's good enough. Tomorrow I'll take another test of the unit daffodils, for which I will be sharing all the required resources in a little while, theek hai? After somewhere what after mam chapter read karke aaye na, sorry chapter read karke aaye, grammar karein uska bete, wahi baat hai, read the chapter thoroughly, go through the vocabulary, go through the grammar as well, theek hai? For this lesson, the one that you just did, remember you have to do the adverbs and the last exercise which was on past perfect continuous, I guess. Okay, for unit 6 all you have to prepare in your grammar is exercise A, B and F. ठीक है, इन बिटवीन ऑल्दो आई शेयर्ड एक्सरसाइज सी डी एंड ई व्हिच आर बेस्ड ऑन योर जेरंड्स एंड इंफिनिटिव्स एंड कंडीशनल्स, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर वो तीन एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है? दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर एग्जाम बिकॉज वी हैव नॉट डन देम, क्लियर? वी हैव ओनली डन द एडवर्ब्स, द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड प्लेस. And we did the last exercise, which was about past perfect. क्योंकि मैंने उसमें से कुछ भी अभी नहीं दिया था, ठीक है? हो सकता है मैं पेपर में दे दूँ, clear? So I hope this gave you a good idea of what your exam paper will be like. Translation की भी exercises, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले Amar asked me, translation will come in the sense that I'll give you an Urdu text on top. Underneath you'll have four different options to choose from. For its English version, ठीक है? And that will be all, ठीक है? Again, I'll reinforce, tomorrow you will have a similar test for unit 5, which is your poem. ठीक हो गया? Revision सारी आपकी कल हो जाएगी, complete. मैम अब्दुल्ला खरम कह रहे कि उसका टेस्ट हो गया. चलिए, गुड हो गया, गुड हो गया. चलिए, thank you ever so much. You are now allowed to leave the class. चैट क्यों नहीं खुल रही मेरी? गुड जॉब एवरीवन. हो गया मैम, मेरा भी खत्म हो गया. अरे गूगल काफी हेल्प करता है मैम, ऐसी गूगल क्लासरूम मेरे कहने का मतलब है. चलो ठीक है, थैंक यू.